मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से शहर में अलग अलग तंजीमें ज़रूरतमंदों तक खाना और राशन पहुंचा रहे हैं। इसी तरह अंजुमन दर्द मंदाने तंजीम ने भी ज़रूरतमंदों तक खाना और राशन पहुंचाया है। मुंब्रा शहर के कई हज़ारों लोगों तक राशन पहुंचाया है। रमज़ान के इस महीने में भी राशन किट पहुँचाया जा रहा है। अब ईद के मौके पर भी ज़रूरतमंदों को किट के साथ सेवई भी दिया जा रहा है ताकि गरीब से गरीब अपने घर में ईद मना सके, सेवई बना सके। अंजुमन दर्द मंदाने तंजीम के जाकिर सावले ने क्या कहा है, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामुद्दीन भाई, देखिए जब से ये लॉकडाउन हुआ है हमारे तंजीम के जो बानी और सदर है मुफ्ती रफीक कूरकर मदनी साहब, इनके हुक्म के मुताबिक हमने यहाँ पे काम की इब्तिदा की। हालांकि जब हमने काम की इब्तिदा की थी तो लोगों के जानिब से हमारे को ताउन भी नहीं था इब्तिदा में, बल्कि हमारे पास जो भी कुछ फंड मौजूद था उस पर हमने इस काम की इब्तिदा की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और लोगों का ताउन इस तरह हमारे साथ जुड़ता गया कि हमने सिर्फ कोरोना वायरस के मौके पर, यानी जब से लॉकडाउन की स्थिति चालू हुई है, सिर्फ हमने लॉकडाउन के मौके पर ही लगभग 2,500 से 3,000 गुराबा मसाकीन को हमने यहाँ पर राशन तकसीम किया। ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि हमारे सामने रमज़ान का मौका नज़र आने लगा। फिर हम फिक्रमंद हुए कि अब लोगों को रमज़ान किट के मुतालिक भी हमको काम करना चाहिए लोगों के लिए। और जिस तरह हम हमारा एक रोज़ा पकड़ने का इंतज़ाम और सहरी का इंतज़ाम और इफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, उसी तरह इन फुकरा और गुराबा का भी किस तरह हो उसके हम फिक्र में लग गए। और अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी इतनी मदद फरमाई कि हम वाकियतन उस मदद को बयान नहीं कर सकते। जब से लॉकडाउन हुआ है उस वक्त से लेकर आज ईद का मौका आ चुका है, अल्लाह का शुक्र है कि लगभग 7,000 लोगों को यहाँ से हमारा ताउन पहुँच चुका है। और आपके इल्म में भी कुछ लोग आए होंगे कि जिनको यहाँ से ताउन मिला और वो लोग हमारे इदारे को दुआएं दे रहे हैं। ईद के लिए भी कुछ दिया जा रहा है आपके? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप जब आए हैं तब मैं आपको उन चीज़ों को बताना भी चाहता हूँ कि ईद उल फित्र के मौके पर जिस तरह एक हमारे घर में छोटा सा शुरकुरमा बनता है, उस तरह एक गरीब के घर में भी शुरकुरमा बने उसकी भी हमने फिक्र की है। और लगभग 500 लोगों का हमने शुरकुरमे के सामान का इंतज़ाम किया है जो अभी आपके आंखों के सामने हैं, जो अभी आपने देखा। ये एक ईद उल फित्र के मौके पर हमारे जानिब से गुराबा के लिए एक शुरकुरमा किट, तो ये एक छोटा सा हमारे जानिब से काम था। हम सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा और हमसे बंदों की खिदमत ली। उसी तरह हम जो हमको ताउन देने वाले हैं उनका भी आपके ज़रिए से शुक्रिया अदा करते हैं। वो इस हदीस के तौर पर कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकता, इसीलिए हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस काम को करने में हमारी मदद की, हम पर एतिमाद किया। और आइंदा भी इसी तरह उनसे हम ताउन की तवक्कु और उम्मीद रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।